टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। सेल में आज हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में डिस्कवरी इसकी पढ़ते हैं। डिस्कवरी इसकी करी थी पोर्टर और थॉमसन नामक दो वैज्ञानिकों ने, किसकी? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी करी थी। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप लोग देख रहे हैं, जैसा कि जो रेड कलर का इसमें दिख रहा हुआ है, ये स्मूथ और रफ दो तरह का है। और जो रफ होता है उसमें ये वाइट कलर के जो दिख रहे हैं, ये राइबोसोम्स से प्रेजेंट रहते हैं। किससे? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं। टाइप ये दो तरह का होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं RER, मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं SER शॉर्ट में। अच्छा, वो रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं? अंतःप्रद्रव्य जालिका भी बोलते हैं हिंदी में। और इससे ये क्या होती है, जो ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको सिस्टर्नी बोलते हैं। ये सिंगल लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं और ये क्या होते हैं, एक दूसरे से आपस में कनेक्ट रहते हैं, जिससे जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है सेल में वो हो पाता है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसके फंक्शंस के बारे में। फंक्शन इसका क्या होता है, इसका एक मेन जो फंक्शन होता है, हमारी सेल को स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रदान करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान करता है, जिससे कि इसका शेप जो होता है एक निश्चित हो पाता है। और इसका क्या वर्क होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या वर्क होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन। और जो किसके द्वारा बनाए, मेड बाय राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के द्वारा बनाई जाती है। और किसके द्वारा ये ट्रांसपोर्ट होती है, थ्रू सिस्टर्नी, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है वो क्या बोलते हैं, उनको सिस्टर्नी बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और रफ इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है वो किसमें, मेनली प्रोटीन सिंथेसिस में वर्क करता है। और ये लिपिड का सिक्रीशन करता है, लिपिड सिक्रीशन इसका मेन वर्क होता है, या लिपिड का श्रावण करता है। और जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका क्या वर्क होता है, डिटॉक्सिफिकेशन, जो सेल में हमारे जो विषैले पदार्थ बन जाते हैं उनका डिटॉक्सिफिकेशन, उनको बाहर निकालना सेल से, वो किसका काम होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क होता है। तो आज हम लोगों ने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच।